नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गरीबों को जमीन और रोजगार की दरकार है, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों से जल जंगल जमीन पर कंपनियों के अधिकार के साथ रोजगार भी छीनता जा रहा है। इसलिए हमें संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई तेज करनी होगी और 2024 में भाजपा सरकार को हटाना होगा। उक्त बात भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने आज सदर प्रखंड के नावाझी कोलहरिया में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कही। यादव ने कहा कि झारखंड की सरकार भी अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी, रोजगार के सवाल हल नहीं हुए। आज भी इस इलाके के लोग रोजगार के लिए बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। इसलिए जल जंगल जमीन पर जनता के अधिकार सहित रोजगार की लड़ाई लड़नी जरूरी है। उन्होंने लोगों से आगामी 18 दिसंबर को धनवार में होने वाली भाजपा हटाओ देश बचाओ संकल्प सभा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। बैठक की अगुवाई मालिप गिरिडीह प्रखंड के कार्यवाहक सचिव मनोज कुमार यादव तथा संचालन शफीक अंसारी ने किया, जबकि मुख्य रूप से बबलू कोल, बलदेव कोल, रसूल मियां आदि मौजूद रहे। 18 दिसंबर धनवार में होने वाली भाजपा हटाओ देश बचाओ संकल्प सभा की तैयारी को लेकर के आज हम लोग गिरिडीह सदर प्रखंड के खावा पंचायत के कोलहरिया नावाडी में एक बैठक किए हैं और इस बैठक में यहाँ के तमाम सवालों पर चर्चा हुई है। जिस तरीके से इस देश में देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी से लेकर के अन्य तमाम समस्याओं के मकरजाल में फंसा दिया है और कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, लोगों के जल जंगल जमीन पर कंपनियों का लगातार कब्जा हो रहा है, ऐसे सारे मुद्दों और इस राज्य में भी, राज्य में भाजपा की सरकार जाने के बाद जो गठबंधन की सरकार आई, इस सरकार ने भी जितने तरह के वादे किए थे उन वादों पर बहुत ज्यादा अमल नहीं हुआ। बहुत सारे काम जो सरकार को करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। आज भी इस इलाके से लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। सरकार का कोई मास्टर प्लान उसमें सामने नहीं आ रहा है। तो इन सारे सवालों पर बात करते हुए 18 तारीख को हम लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में राजधनवार में पहुंचेंगे और वहां पर उस सभा में हम लोग शामिल होंगे और निश्चित रूप से 2024 में इस कोडरमा की धरती से हम लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। यही संकल्प के साथ हम लोग इस रैली में जा रहे हैं। के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।